السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه الترمذي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. आज के इस सभा के सभापति साहब, मंच पर उपस्थित हजरात उलमाए किराम, नवयुवक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे याद आ रहा है आज से करीब 17-18 वर्षों आगे मैं पहली बार इस मदरसे में आया था। तंजीम की तरफ से जो इम्तिहान और एग्ज़ाम होता है एग्जामिनर बन के, और प्राय एक सप्ताह मैं इस मदरसे में रहा था। उस एक सप्ताह के अंदर इलाके में बहुत जगह पर आना जाना हुआ था। तारपुरे हजरत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामत बरकातुहुम जिस साल यहाँ जलसे में आए थे, तो उस साल मैं भी यहाँ आया था। और आज फिर काफ़ी दिनों के बाद आप हजरात के सामने मैं बैठा हूँ। ये जो इतना सुंदर पिंडाल है और ये इलाका कलियाबर उत्तर नौगांव का इलाका, किंतु वाद सुनने वाले जितने लोग हैं, हमी बुस्तम पारिना के ए वास्ता अमरा होयाई इलाका होते से ने अपना रार उत्तर नौगांवेर इलाका होते से, वो तो कौन मानुष उत्तर नौगांव में शायद कहीं और नहीं देखा। उसके बारे आरो तो 8-15 मिनट वैसे घर में खाना उना खाएंगे, और असल ये मेहमान हजरत मदनी साहब दामद बरका तो हूँ, उनकी दुआ और उनकी नसीहत सुनने के लिए आएंगे। हमारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के ये सभा जमीयत उलमाए हिंदेर अधिवेशन सभा, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत उलमाए हिंदेर एक शाख जमीयत उलमाए आसाम, ये जमीयत उलमाए हिंद क्या है? इस मुल्क में, इस देश में प्राय 800 बच्चों मुसलमानों ने हुकूमत किया,
और 1601 ईस्वी में सब तक की प्रथम इस देश में अंग्रेज आया। घटना लंबा, कहानी लंबी, मैं बिल्कुल मुख्तसर करके आप लोगों को बतला रहा हूं। अपना याद रखा चेष्टा करबेन। अमरर अकाबिनी ने किराम असलाफ बुजुर्गाने दीन के खिदमत और जमीयत उलमाए हिंद ये संगठन इस्लामिक संगठन ये हिसाबे एक बार मुख्तसर शॉर्ट तारीख हिस्ट्री याद रखा चेष्टा करबेन। तो अंग्रेज जब इस मुल्क में इस देश में आया और आहिस्ते आहिस्ते अपनी चालाकी और मुसलमान बादशाह को बेवकूफ बना बनाकर एक वक्त ऐसा आया, एक समय ओला ऐसे कि पूरा देशेर उपरे अंग्रेजेर कब्जा, पराय प्रत्येक का इलाका अंग्रेजेर कब्जा। उस जमाना खास कोरिया 1900 पोरे ए देशेर भीतरे मुसलमानेर हालत खूब बेशी खराब, हर फील्ड में, हर मैदान में, आर्थिक इकोनॉमिक मैदान में, सियासी मैदान में, तालीम और शिक्षा के मैदान में, हर फील्ड में मुसलमान कमजोर से कमजोर हो रहा था। कहीं मुसलमानों की कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई पावर पूरा देश के भीतर नजर नहीं आ रहा था। वो जमानत बहुत उलमाए किराम को अंग्रेजों ने जेल में डाला, माल्टा के जेल में भी डाला। 1919 के 19 नवंबर को सबसे पहले कोई एक जन बड़ो बड़ो उलमाए किराम पूरा देशे उलमाए किराम और उस जमाना देश इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, सब मिलकर बैठे और उन लोगों ने प्लान बनाया कि एक इस्लामिक संगठन होना चाहिए और उसका नाम जमीयत उलमाए हिंद रखा। नाम के लिए तो जमीयत उलमा है, उलमा नाम आसे, किंतु उसी जमाने से लेकर आज तक उलमा के साथ साथ आलिम लोगे लोगे गैर आलिम इंजीनियर डॉक्टर एडवोकेट सब लोग इस संगठन में शामिल रहे और इस संगठन को मजबूत और शक्तिशाली करने के लिए पूरा अपना योगदान और अपनी कुर्बानी पेश की। ये जो संगठन जमीयत उलमा हिंद बनाया गया, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंदे एक नंबर छात्र माल्टा के जेल से जब आए तो उन्होंने दो बार देवबंद के जलसे में इजलास आम में बयान किया था। अमरर जुन्ने ए दियोटा होता बड़ो दामी होता। एक नंबर बात ये कहा था कि मैं माल्टा के जेल में 4 बच्छर रहा और वहां से मैं ये सीख कर आया, मैं ये प्लान बनाकर आया, मंसूबा करके आया कि जितना दिन तक मैं जिंदा रहूंगा जो तो समय पर्यंत तो अमर जीवित ताकि मैं पूरा इंडिया में घूम घूम कर गांव गांव महल्ला महल्ला में जाकर प्रत्येक मस्जिद भीतरे प्रत्येक महल्ला भीतरे कुरान करीम तालीम का हमी आम करूंगा, कुरान शिक्षा मैं आम करूंगा। 100% मुसलमान कुरान पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला कैसे बनेगा, मैं अपनी जिंदगी इसी में लगा दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, पूरा इंडिया भीतरे प्रत्येक जो मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने वाला, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तजिया इख्तलाफ ऐसा एक भी आदमी को रहने मैं इंशाल्लाह नहीं रहने दूंगा। अमी चेष्टा करमो, बाकी काम बनाने वाला अल्लाह है।
तो जमीयत उलमाए हिंद 1919 में जब कायम हुआ, 1919 के बाद पराय 28 बच्चों 28 ईयर्स आजादी से आगे जमीयत उलमाए हिंद ने मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर और पूरा इंडिया के अंदर आजादी के लिए पूरी कोशिश की, अपनी जान की बाजी लगा दी। पराए उलमाए किराम जेल में डाले गए, उनको कत्ल किया गया, फांसी पर लटकाया गया। एक बात मैं आपको सिर्फ बता दूं, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो हम सबके दादा पीर, जब कराची के अंदर खिलाफत कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अंग्रेजों ने यह कहा था कि इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना हुसैन अहमद मदनी यदि आ जाए तो पुलिस को आर्डर था कि बिल्कुल उसके ऊपर शूट करना, गोली चलाना और यहीं उसको मार देना। वो कॉन्फ्रेंस से निकलकर बाहर न जा सके। लोगों ने हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत आपकी हम लोगों को बहुत जरूरत, प्लीज अपने एक कॉन्फ्रेंस से या शिरकत को देना। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेर बनकर, बाघ बनकर और अपना कफन का कपड़ा अपने साथ में लेकर कॉन्फ्रेंस में गए और जाकर उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए अंग्रेज फोर्स और पुलिस की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और ये कहा था, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, बुलबुले मतलब वो लोग बंदूक राइफल, गुल गुले मानो वो लोग फूल, फूल को या गोली। लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, मतलब है कि ये जो अंग्रेज फोर्स है, अंग्रेज फौज है, ये सब के सब बंदूक में, राइफल में गोली डालकर आया है। शहीदे नाज की तुर्बत कहाँ है, वो ये देखने के लिए कि मेरी कब्र कहाँ बनेगी, मुझको कहाँ दफनाया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि इसके बाद ही कहा, खिलौना समझकर न बर्बाद करना। अभी कोनो एक तक खिलौना ना, वो तो छोटा छोटा बच्चा गाड़ी लेकर, झुंझुना लेकर, बांसुरी बजाकर जैसे खेलता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। ओ अंग्रेजों, जैसे अल्लाह ने तुमको बनाया उसी अल्लाह ने मुझको भी पैदा किया है। यदि हमारी मौत यहाँ पर होगी तब तो तुम हमको मौत के घाट उतार सकते हो, तुम्हारा बंदूक और तुम्हारी गोली काम कर देगी। किंतु अल्लाह ने यदि हमारी मौत को अभी नहीं लिखा, अमार जिंदगी तक यदि बाकी ऐसे तो तुम हजार गोली, लाख गोली मेरी तरफ चला दोगे, अल्लाह मुझको बचा कर रखेगा। मेरे भाइयों, अंग्रेज पुलिस ने, फोर्स ने उनके ऊपर राइफल चलाया, लेकिन राइफल ने, गोली ने, बंदूक ने काम नहीं किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाल दिया था, आग को अल्लाह ताला ने या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने आदेश दिया, ऑर्डर किया, ओ आगोन खबरदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तुम तकलीफ नहीं पहुंचाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शरीर को जर्रा बराबर अगर कष्ट और तकलीफ हुआ तो तुम्हारा खैर नहीं। अल्लाह ने उस आगुन को बर्दम व सलामा, आगुन में गर्मी होती है, आगुन में जलाने का पावर होता है, उसको ठंडा बना दिया। एसी का मजा हजरत इब्राहिम को आगुन में आने लगा अल्लाह के हुक्म से। अंग्रेजों के गोली ने और अंग्रेजों के राइफल ने और बंदूक ने काम नहीं किया। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह इसी जमीयत उलमाए हिंद के लोगों में से, जब वो जेल में थे, रांची के जेल में थे, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, तो पुलिस, अंग्रेज हाकिम ने कहा कि आपकी बीवी का, आपकी वाइफ का इंतकाल हो गया है, उनके कफन दफन के लिए 3 दिन आपको हम जेल से निकालते हैं।
और आप जेल से निकलकर अपनी वाइफ के कफन में दफन में नमाज जनाजे में जाकर शरीक हो जाइए। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि मेरी एक वाइफ नहीं, अगर और भी वाइफ होती और वो भी मर जाती तो मैं अपनी वाइफ के नमाज जनाजा के लिए अय अंग्रेजों तुमसे भीख लेने वाला नहीं हूं। मेरी मुलाकात मेरी बीवी के साथ इंशाअल्लाह कयामत के दिन जन्नत में हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी भीख लेकर जेल से निकलने वाला नहीं। हाँ, तुम मेरे मुल्क को आजाद करो, मेरे देश को आजाद करो, फिर मैं जेल से निकल कर बाहर जाऊंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद शौकत अली साहब, ये सब लंदन पहुंचे और वहां के व्हाइट हाउस में उन्होंने भाषण दिया, तकरीर किया कि ऐ व्हाइट हाउस में अंग्रेजों, अगर तुम हमारे देश को आजाद करते हो तब तो हम यहां से लौटकर अपने देश में जाएंगे, और यदि हमारा देश गुलाम रहेगा, जितना दिन तक गुलाम रहेगा, ये मोहम्मद अली शौकत अली ये लंदन को छोड़कर अपना देश नहीं जाएगा। मैं फाइट करूंगा, जब तक हमारे देश को आजाद नहीं करोगे हम अपने देश में लौट कर नहीं जाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वहीं पर वफात हुई, वहीं पर इंतकाल हुआ, और लंदन से उनको मुल्क शाम सीरिया बैतुल मक़दिस में ले जाया गया और वहां उनको दफन किया गया। आज तक उनकी कब्र वहां पर है। मेरे मुसलमान भाइयों, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के घटना को वाकयात को सुनाकर मैं अपनी बात लंबी करूं। मुझे दो तीन बातें खास तौर पर आप हजरात को कहनी है। ये जो सिर्फ दो तीन वाकया सुनाया, एक और सुना दो। अशफाकुल्ला खान, शहीद अशफाकुल्ला खान कोई आलिम नहीं थे, एक मुसलमान था और अपने देश के लिए लड़ता था, देश की आजादी के लिए लड़ता था। जब उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, तो अंग्रेजों ने पूछा था कि अशफाकुल्ला खान, तुम्हारा आखिरी इच्छा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, अंतिम तुम्हारी इच्छा किया से, क्या तुम चाहते हो कुछ? अशफाकुल्ला खान ने एक शेर में जवाब दिया, नहीं आरजू है मेरी, है आरजू तो ये है, लाकर के कोई रख दे खाके वतन कफन में। इसका मतलब ये था, ऐ अंग्रेजों, हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश और मेरी कोई अरमान नहीं है, मेरा बस एक इच्छा, मात्र एक तय ख्वाहिश ऐसे कि जब तुम मुझको फांसी दे दोगे और जब मुझको कब्र में डालोगे, अल्लाह के वास्ते मेरे कब्र के अंदर मेरा वतन और मेरे देश का माटी थोड़ा सा मेरे कफन में डाल देना, कयामत के दिन जब उठूंगा तो मेरे साथ मेरे देश की मिट्टी, मेरे वतन का माटी भी मेरे साथ में होगा। मुसलमानों को इतनी मोहब्बत है इस देश से, इस मुल्क से, इस देश में मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है उसके कारण आज तक एक एक बच्चा, एक एक मुसलमान अपना देश से प्यार करता है, अपनी देश की तरक्की के लिए दुआ करता है। मैं आपको कसम खाकर कह सकता हूं कि मैं खुद शायद ही कोई ऐसी दुआ होती हो, जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं, ऐ अल्लाह ये करो, ये करो, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, और इसके साथ साथ में ऐ अल्लाह हमारे देश की हिफाजत करो, ऐ अल्लाह हमारे देश को तरक्की अता कीजिए, हमको इस देश से प्यार है, यहाँ की एक एक मिट्टी से, हर हर मिट्टी से, हर हर इंसान से प्यार है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जिस देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपना रक्त बहाया, जिस देश को आजाद कराने के लिए उलमाए किराम को फांसी पर लटकाया गया, जिस देश को आजाद कराने के लिए हमने और आपने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी, आज जब देश आजाद हुआ और आजादी के तकरीबन 75 साल हो गए, करीब करीब 75 साल हो गए आजादी के बाद, ये कहना पड़ता है, यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद, यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद, जैसे कोई बाप अपनी दूसरी शादी के बाद। पहली बीवी से बच्चा है,
बाद में उस बीवी का इंतकाल हो गया वाइफ का, अब जब दूसरी शादी करके लाता है, आमतौर पर वो बाप अपनी पहली बीवी के बच्चे को देखना पसंद नहीं करता है। ठीक इसी तरह से जब ये मुल्क आजाद हुआ, ये देश आजाद हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट उसके बाद से ही मुसलमानों को हर मैदान में, शिक्षा के मैदान में, आर्थिक के मैदान में, रिजर्वेशन के मैदान में और मुसलमानों की आजादी के मैदान में, हर मैदान में उसी टाइम से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमत, जितनी भी गवर्नमेंट आई, सब ने मुसलमानों को नेगलेक्ट किया और मुसलमानों को उसके हक से, उनके हुकूक से महरूम किया। ऐ मुसलमानों, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? यही कारण को तलाश करने के लिए और इन्हीं चीजों को मजबूती के साथ गवर्नमेंट और हुकूमत के सामने रखने के लिए जमीयत उलमाए हिंद का क्याम अमल में आया था। ये संगठन बनाया गया था, ये संगठन बनाया गया था। चुनांच हुकूमत क्या कर रही है वो तो बाद में, जमीयत उलमाए हिंद 1919 में, 19 नवंबर 1919 जब इस संगठन को बनाया गया, उसके बाद से लेकर आज तक मुसलमान पूरे इंडिया के जिस कोने में भी रहता है, अगर उस पर कोई परेशानी, कोई तकलीफ उसको पहुंचती है, सबसे पहले वहां पहुंचने वाले कौन होते हैं? जमीयत के लोग होते हैं, जमीयत के लोग होते हैं। आपके आसाम का मसला हो, एनआरसी का मसला, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू हमारे उस्ताद और कितने उलमा के उस्ताद है, एनआरसी के मसले के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। आपके यहाँ उच्चेद का मसला हुआ, अभी जो उच्चेद हुआ, अब भी और इससे पहले जो उच्चेद हुआ, उस वक्त इससे पहले कोकराझार का जब हंगामा हुआ था, उस टाइम में हजरत फिदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो भी जमीयत उलमा के पोस्ट पर यानी प्रेसिडेंट बने, जनरल सेक्रेटरी बने, उन्होंने हर जमाने में मुसलमानों के ऊपर आने वाली तकलीफ, मुसलमानों को पहुंचने वाले कष्ट में सबसे जाकर जमीयत उलमा हिंद के लोग खड़े हुए और उन्होंने मुसलमानों को ये बताया, ऐ मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं और जहां तक हो सकेगा हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। खास करके 2014 जब ये नई सरकार आई, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट आई और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र आरंभ किया, उसके बाद से लेकर खुसूसन हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू अल्लाह उनकी हयात को सेहत व आफियत के साथ दराज फरमाए, सब बोलिए आमीन। अगर देश में कहीं पर आसाम से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं पर भी किसी भी मुसलमान को जालिमाना तौर पर हुकूमत ने उसको जेल में डाला और उसको हुकूमत ने कैद खाने में डाल दिया, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू वहां पहुंचे, उनके लोग वहां पहुंचे और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हजारों नौजवानों को हजरत की पैरवी और हजरत की कोशिश और हजरत की दुआ के सदके में अल्हम्दुलिल्लाह कैद खाने से, जेल से रिहाई नसीब। आसाम का मसला हो, गांव-गांव में हजरत मौलाना करीमुद्दीन साहब आपके यहाँ आने वाले हैं, मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो जनरल सेक्रेटरी है और जमीयत के जो प्रेसिडेंट हजरत मौलाना मुश्ताक अनफर साहब वो रहते हैं दुबई में, लेकिन मैं खुद जानता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, डेली साल में कम से कम 20 दिन मैं दुबई में जाकर रहता हूँ उनके पास। सुबह के टाइम में फजर के बाद वो सोने की उनको जरूरत होती है, आराम करने की जरूरत होती है, किंतु आराम बादे फरमो, रेस्ट बादे फरमो। फजर की नमाज वहां तो डेढ़ घंटा बाद में है, डेढ़ घंटा बाद में वहां नमाज होती है, वहां से वो
जमीयत के कारकुनान, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और इलाके के लोगों की खबर देते हैं, कहां पर किस चीज की जरूरत है, कोई दुखिया है उसको क्या मदद करना है, कहीं कोई परेशानी है, अभी उच्चित का मसला कितनी उन्होंने मदद की, मैं उनको देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ और मौलाना को फोन करके बताते हैं। हम सब के सब खास तौर पे हजरत मौलाना मुश्ताक अनफर साहब दामत बरकातहू जो जमीयत के प्रेसिडेंट है, सदर है, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरे नौजवान साथियों, जमीयत उलमा हिंद का एक मिशन खास तौर पर यह है कि तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन के फील्ड में मुसलमान बच्चा बच्चा लड़का लड़की पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना है, सबसे आगे जाना है। अगर इस मुल्क में तरक्की चाहते हैं, इस देश ए देशेर भीतर यदि इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, तो मुसलमानों याद रखो, शिक्षा आएगा, एजुकेशन आएगा, तालीम आएगी, खुद ब खुद आगे बढ़ोगे। कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, कोई आपका हक नहीं मार सकता है। आप मदरसे के लाइन से, मकतब के लाइन से देख लीजिए, ये जमीयत उलमा हिंद के लोग गांव-गांव में जाकर मकतब कायम करना, मकतब का प्रशिक्षण दिलाना और वहां पर अपने जांच करने वाले को भेजना और वो जाकर पूरा सिस्टम से मकतब को आगे बढ़ाना, गांव-गांव में जमीयत के लोग जाते हैं। ये जमीयत के लोग हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, खुद नीचे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू कोई एक दिन आगे दिल्ली के अंदर उन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट को, गैर मुस्लिम स्टूडेंट को तालीम के लिए, शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दिया और उन्होंने ये कहा कि ऐ नौजवानों, नौजवान बच्चों, नौजवान बच्चियों, नौजुबक से ले नौजुबक में तुम लोग शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ो। तुम्हारा यदि गरीब, तुम्हारे घर में अगर खाने पीने के पैसे नहीं है, आओ मेरे पास, जमीयत उलमा हिंद के लोग तुम्हारा हेल्प करेगा, किंतु शिक्षा के मैदान में तुमको पीछे नहीं रहना। दीनी तालीमी बोर्ड वही शिक्षा, वही मकतब का एक इदारा है और दीनी तालीमी बोर्ड के तहत, दीनी तालीमी बोर्ड के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कंट्री के अंदर मुसलमान सिले में को बेसिक जो इस्लामिक शिक्षा है कैसे मजबूत किया जाए, रात दिन इसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद की तारीख को कहां तक बताया जाए? मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से जो मुझे कहना है वो ये कहना है, मैंने हदीस पढ़ी, हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सुन के दो रकमेर मोमिन, दो तरह के मुसलमान है, किच्छु मुसलमान ओरकम ला युखालितुन नास, जो लोगों के साथ मिलकर नहीं रहते, किसी से कोई मतलब नहीं, बीमार से ए बीमार अमी तो सुस्तो आसी, कोई दुखिया है हे दुखिया अमी तो भालो आसी, किसी पर कोई मजबूरी परेशानी है ए मजबूर से अमी तो भालो आसी, मैं तो बढ़िया खाना खा रहा हूँ, वो खा रहा है या नहीं खा रहा, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने बाड़ी के लोगों से, बीवी बच्चा सेले में माँ बाबा, बस इतने में सीमित है। अल्लज़ी ला युखालितुन नास, जब लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं होता है, किसी के घर में आना जाना नहीं, किसी दुखिया के पास नहीं जाएगा, किसी गरीब के घर में नहीं जाएगा, कोई भूखा है उसको खाने का इंतजाम नहीं करेगा, तो कोई उसको कष्ट भी नहीं देगा, अमार अमार काम, अमार अमार काम, और किसी से हमको कोई मतलब नहीं, तो उसको कोई कष्ट भी नहीं होता है, और कष्ट नहीं होता है तो सब्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपनी जिंदगी अपना जीवन वो खुद गुजार रहा है। एक जन मानुष और एक जन मानुष ऐसे वल्लजी युखालितुन नास व यसबिरु अला अदाहुम, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बाड़ी के सामने एक आदमी का घर है, बीमार पड़ गया, वो उसकी इयादत करने के लिए जाता है। क्यों इयादत करने के लिए जाता है? बीमारी को देखने के लिए क्यों जाता है? अल्लाह ताला कयामत के दिन कहेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन कोई वो अमार बंदा अमी बीमार कुर्सी,
मैं बीमार पड़ गया था, तुम मुझको देखने नहीं आए थे, तुम मुझको देखने नहीं आए थे। हमरा कोई मो, ए अल्लाह क्या आप बीमार पड़ सकते हैं? आप तो अल्लाह हैं, अल्लाह तो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, तो आप कैसे बीमार पड़ गए? अल्लाह कहेगा कि तुम्हार गवेर बाजू में, तुम्हार बाड़ी बाजू एक बाड़ी, उस बाड़ी का आदमी बीमार पड़ा था, तुम उसको देखने के लिए नहीं गए थे। तुम अगर उसको देखने के लिए जाते, तुम उसकी इयादत करने के लिए जाते, तो मैं तुमको वहां मिलता, तुम मुझको वहां पाते। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा ए अमार बंदा, मैं भूखा था, खाना नहीं था मेरे पास, तुम्हार बड़ी मित्र खूब बेसी खानी आसे, तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा अल्लाह आपको तो भूख नहीं लगती, आप तो खाने पीने से पाक है। अल्लाह कहेगा कि तुम्हार मोहल्ले के अंदर, तुम्हार गांवे भीतरे ओमुक 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 फला 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 दुखिया मानुष था, बेचारे के घर में खाने पीने का सामान नहीं था, वो भूखा रहता था, भूखा सोता था। तुम यदि उसके घर में जाते, चावल लेकर, दाल लेकर, आटा लेकर जाते, तो मैं तुमको वहां मिलता, मैं तुमको वहां मिलता। ये कौन कहेगा? अल्लाह कहेगा ऐ अमार बंदा, मुझको प्यास लगी थी, पानी की जरूरत थी, तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा ऐ अल्लाह क्या आपको भी प्यास लगती है? आपको तो पानी की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह कहेगा कि गांव मानुष, उनके गांव में हैंड पाइप नहीं था, पानी का सुविधा और पानी का इंतजाम नहीं था, तुम्हारे बाड़ी में हैंड पाइप भी था, मोटर भी लगा हुआ था, फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ था, तुमको मैंने माल भी दिया था, तुम थोड़ा सा माल अगर उस गांव में जाकर खर्च करते, दो चार हैंड पाइप लगा देते, वो लोग पानी पीते, तो तुम मुझको वहां पाता, मैं तुमको वहां मिलता। मेरे नौजवान साथियों, इसीलिए हम और आप अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत में बयान कर रहा था उसको गौर से सुनिए। आपने फरमाया वल्लजी युखालिदुन नास वयस्बिरु अला अदाहुम, जो आदमी दूसरों के सुख दुख में शरीक होता है, बीमार को देखने के लिए जाता है, गांव समाज की तरक्की के लिए काम करता है, गांव भीतर जमीयत उलमा हिंद कमेटी आसे और कमेटी के लिए या जमीयत उलमा हिंद का जो ऑफिस है, पता चला यहां आया तो मालूम हुआ कि ऑफिस में चेयर नहीं है, ऑफिस में डेस्क नहीं है, ये चेयर और डेस्क कौन देगा, ये कौन देगा? जो दे अमरा इंतजाम करी ना, तो आसमान से फरिश्ता आकर और जमीयत उलमा के संगठन को मजबूत करने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए फरिश्ता आसमान से चेयर और डेस्क लेकर नहीं आएगा, कारपेट फरिश्ता लेकर नहीं आएगा। यह हमारी और आपकी जरूरत है कि जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस से, ऑफिस से ये दरकार, ये जो वस्तु लगे, हम अपना सहयोग, अपना हेल्प, अपनी मदद आगे बढ़ाए और ऑफिस के सारे काम को पूरा करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह। तो कोई कोई आदमी ऐसा है जो लोगों के सुख दुख में जाकर शरीक होता है, पंचायत जब में जाता है, पंचायत करता है, कोई विचार होता है, जाकर विचार करता है। अब एक आदमी के हक में विचार हुआ, वो तो खुश हो गया, और इसके खिलाफ में विचार हुआ, ये नाराज हो गया, वो गाली देगा, वो बुरा भला कहेगा। ऐसे टाइम में ये काम करने वाला जमीयत उलमा हिंद के सभापति, सेक्रेटरी, सदस्य, ये क्या करेगा? उसके साथ लड़ाई तो नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करना है, तजिया मोल नहीं लेना है, वो गाली देगा। यस्बिरु अला अदाहुम, सबर कर लो, सबर कर लो। अल्लाह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन के, जो आदमी लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं, कष्टों पर सबर नहीं करता, वो आदमी से बेहतर है ए मानुष का जो लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन गुजारता है, लोगों के सुख दुख में शरीक होता है, और जब कष्टों पहुंचता है तो उस कष्टों पर वो सब्र भी करता है, वो सबर से काम लेता है, किंतु अपने गांव समाज के सब लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है। आज मुसलमान उपरे सब तक ही बड़ो मुसीबत ओलो के मुसलमान एकजुट नाय, मुसलमान एकजुट नाय। एक शायर ने, एक कवि ने उर्दू भाषा में एक शेर कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो नजामे गुलशन, मतलब बोलो तुम्हारा यदि एक ए
अगर हो जाओगे तो ये देश पूरा सिस्टम और पूरा निजाम तुम चेंज कर सकते हो। मुत्तहिर हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अमरा जो एक ना कुछ आदमी इधर कुछ इधर कुछ उधर, प्रत्येकता गांव के भीतरे मुसलमान है और मुसलमान का आपस में लड़ाई झगड़ा तजिया लगा रहता है। उतो बेसी लड़ाई उतो बेसी इख्तलाफ, इतना ज्यादा कजिया लगा होता है हो जाए के इलाके में एक गांव में मैं वास के लिए गया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हो जाए के इलाके में एक गांव में मैं वास के लिए गया। गांव मशहूर है, नाम लूंगा जान लेंगे। पता चला कि एक गांव के भीतर दुईटा पार्टी मुसलमान है, पूरा गांव एक साइड और मात्र एकता खानदान आठ बारी दस बारी एक साइड। अब पूरा गांव वाले ने मिलकर मस्जिद का सभा किया, सभा का आयोजन किया, जाकर परमिशन लिया, सब कुछ किया। दूसरा पार्टी के जो लोग थे वो लोग थाने में गए और जाकर कहा, सर हमार गांव के भीतर वाद होते से और वादे जे सभा होते से कोनो सोशल डिस्टेंसर कोनो इंतजाम ना है। ए वादे जे मानुष ऐसे तार मुखे मास्क ना है, सैनिटाइज ना है, किच्छु ना है, एसओपी बिल्कुल खिलाफ काम होते से जाकर केस किया, जाकर रिपोर्ट लिखवाया थाने के अंदर। थाने वाले ने वहां का जो दरोगा था पुलिस था उन्होंने उसको बुरा भला कहा, कह रहे तुम भी मुसलमान है वो भी मुसलमान है, धर्मीय सभा हो रहा है, तुम्हारे गुरु लोग आएंगे दुआ करेंगे तो ये जो कोरोना वबा है ये ऊपर वाला इसको शेष करेगा। ये हिंदू आदमी कह रहा है किंतु मुसलमान क्या सोच रहा है। जब देखा कि वहां पर हमारी बात को नहीं सुना तो जो सब थाना होता है छोटा थाना होता है वहां पर गया और जाकर कहा कि सर अमर गांव के भीतर धार्मिक सभा होते से और खूब बेसी भीड़ खूब मानुष सोशल डिस्टेंस ना मास्क ना सैनिटाइज ना किच्छू ना एसओपी का पालन नहीं हो रहा। तो बाद में वो छोटा थाने का जो बड़ा ऑफिसर था वो बाइक लेकर आया। गांव के लोगों को तो पता चल गया था तो उन लोगों ने क्या किया था, ये तो पूरा सभा हो रहा है पूरा पिंडाल है, गेट पर वही गेट पर इतना सब मास्क लाके रख दिया। मालूम हो गया कि कुछ लोग खिलाफ में कर रहा है काम, मास्क लाकर रख दिया। जो भी आता था भाई एक मास्क ले लो, सैनिटाइज का बड़ा बोतल रखा हुआ था हाथ में सैनिटाइज कर लो और थोड़ा हट हट के दूर दूर में आकर बैठो। जब वो पुलिस वाला आया और उन्होंने अपने चुक से देखा तो उन्होंने मुसलमान को गाली दिया कि तुम रखी रोको मुसलमान को तो सुंदर सभा होते से इन्हें तुम्हार धर्म खोता बयान करो होते से कुरान और हदीसें खोता बयान होते से पूरा आलम शांति जमने दुआ करो हो किंतु तुम्हारा हर एक जन मुसलमान हर एक पार्टी थाना में जाकर इस थाना में केस कर रहा है उस थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवा रहा है। ऐ मुसलमानों मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर ऐसे इख्तलाफ करोगे लड़ाई झगड़ा करोगे तो इस देश में आज हिजाब के खिलाफ बात हो रही है कल अजान के खिलाफ भी बात होगी। मुसलमानों अगर मिलजुल कर नहीं रहोगे आपस में लड़ते रहोगे झगड़ते रहोगे, राशिया में बुखारा समरकंद उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान बिल्कुल मुस्लिम कंट्री था वहां के मुसलमानों का जो हाल हुआ, माथा में टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था, कुरान यदि किसी बारी में कुरान मिल जाता था तो बारी के मुरब्बी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, कैद खाने में डाल दिया जाता था। ऐ मुसलमानों अगर तुम मिलजुल कर नहीं रहोगे लड़ते रहोगे झगड़ते रहोगे इख्तलाफ करते रहोगे खुदा की कसम मैं खाकर कह सकता हूँ अल्लाह कबूल न करे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारी मस्जिद पर भी हमला होगा, तुम्हारे इस्लामी शियार पर इस्लामी यूनिफॉर्म पर हमला शुरू हो चुका है। कब समझोगे कब लाइन पर आओगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते वाकसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, मुसलमानों अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। कितना मजबूती से पकड़ना है, आजकल हम मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि या तो हमारा नमाज पढ़ी ना
और यदि नमाज पढ़ी इनने साइकिल चलाकर आएगा, बाइक पर बैठकर आएगा, एयरफोन लगा हुआ है बढ़िया से गाना सुनते हुए आएगा, अजान हो गई, जमात का वक्त हो गया, अल्लाह उसको तौफीक देगा, मस्जिद में आएगा। किंतु मस्जिदो आवार पोले सबसे आगे चेयर तलाश करता है कि मस्जिदे भीतरे चेयर आशे की ना, मस्जिदे भीतरे चल रहा है, दौड़ रहा है, सब काम कर रहा है, होटल में जाकर चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, बाड़ी में बढ़िया से काम कर रहा है, मस्जिद में आएगा, चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ेगा। कारण अभी बंबई जैसी बंबई में जाकर देखा, गुजरात में गया गुजरात में जाकर देखा, फला जगह गया दिल्ली निजामुद्दीन गया वहां पर भी देखा चेयर रखा हुआ है, मक्का गया मदीना गया देखा वहां भी चेयर रखा हुआ है, किंतु ये नहीं देखा कि वहां जो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं वो कौन लोग हैं। मुसलमानों याद रखो, शरीर भीतरे यदि शक्ति आसे, हत्ता के अगर बैठकर कोई आदमी नमाज पढ़ सकता है, सजदा तक उठर पोरे कायदा में जैसे बैठता है वैसे नहीं बैठ सकता है, दोनों पैर को ऐसे फैलाकर बैठ सकता है, दोनों पैर को सामने आगे बढ़ाकर बैठ सकता है, तो भी बैठ कर नमाज पढ़ना जरूरी है। चेयर पर ऐसा आदमी एरकम मानुष यदि चेयर पर बैठ कर नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, याद रखना। तो हमारा असल में बात क्या है, असल में बात यह है कि हमारे जो नौजवान है, नौजुबक तबका जो है, ये नया फैशन को जब देख लेता है, नूतन कोई भी फैशन को देख लेता है, एक फैशन का इख्तियार कर ले, अभी भालो मानुष हमारी इज्जत होगी। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब एक घटना वाकया बयान करते हैं, लखनऊ में, मौलाना टाइम है ना, कितना टाइम है, 5-7 मिनट, इंशाल्लाह मैं खत्म करूं। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेला पर, ठेला तो बुझन तो ठेला देखी कोई ठेला नहीं ठेला ठेला पर एक गरीब आदमी चाय बेच रहा था। गर्मी का जमाना था, चाय कॉफी और एक साइड में आइस कोल्ड ड्रिंक ये भी बेच रहा था। एक अंग्रेज आदमी आया और आकर कहा कि, वो अपने भाषा में कहा, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, कहा कि प्लीज मुझको एक कप कॉफी दे दो, गिव मी वन कप कॉफी, एक कप मुझको कॉफी दे दो। तो उसने कॉफी तैयार किया, रेडी किया, जब वो कॉफी कप में डाल रहा था, गिलास में डाल रहा था, उसी टाइम में आइस का बर्फ का, वो जो मांस में बर्फ देता है ना सादा सादा अच्छा रखने के लिए, फ्रिज में बन जाता है आइस, तो आइस का एक टुकड़ा भूल से गलती से उसके कॉफी में चला गया। ये गिलास है, गिलास में कॉफी डाल रहा था, तो आइस का छोटा सा टुकड़ा आइस में वो कॉफी में चला गया। अंग्रेज ने नहीं देखा, दुकानदार ने सोचा कि चलो अच्छा है, हम इंडिया के लोग हैं ना, तो बेईमानी करने में पूरी दुनिया में माहिर है, बेईमानी घोटाला पूरा दुनिया में मशहूर इंडिया, तो एक कप कॉफी दिया, किंतु भूल से आइस चला गया, अंग्रेज को वही दे दिया, अंग्रेज ने पी लिया। वहीं पर एक मुसलमान भी खड़ा था, उसने कहा चलो मैं भी एक कॉफी पीऊंगा, वो भी आया और कहा कि भाई मुझको एक कप एक गिलास कॉफी बनाकर दे दो, कॉफी बनाकर दिया, किंतु अंग्रेज के कॉफी में तो भूल से गलती से आइस का टुकड़ा गया था। हमको और आपको क्यों वो आइस देगा, गर्म कॉफी पीना चाहिए, चाय तो हॉट टी गर्म टी होना चाहिए, आजकल वैसे कोल्ड कॉफी भी पीते हैं लेकिन हॉट कॉफी उसमें एक अलग मजा है। तो जब उसने कप में गिलास में कॉफी डाला, आइस का टुकड़ा नहीं गया। वो मुसलमान था, उसने कहा ए दुकानदार साहब, ये अंग्रेज तुमको कॉफी का पैसा देगा और मैं क्या तुमसे फ्री मांग रहा हूं। कहा क्या बात है भाई, क्या हुआ। कहा अंग्रेज के कॉफी में तुमने आइस मिला कर दिया और मेरे कॉफी में तुमने आइस नहीं मिलाया, क्या मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। दुकानदार ने कहा अरे भाई वो तो गलती हो गई,
भूल से चला गया, उसने नहीं देखा वो विदेशी आदमी है, मैं अपना कॉपी को नष्ट होने से बचाया और उसको कॉपी दे दिया। तुम्हारे कॉपी में मैं आइस डालकर क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं क्या? तुमको मैं बढ़िया कॉपी बनाकर दिया। तो उस मुसलमान ने कहा असल खुदा उसे हमारे दिले भीतरे एक ख्याल आए लो मनो को आजकल कॉफी में आइस डालकर पीना एक नूतन फैशन, कॉफी में आइस डालकर पीना ये नया फैशन है, इसीलिए अमी कोइलम कि मेरे कॉफी में भी आइस डालो। ये जो हमारे नौजवान है उनका आम तौर पर यही हाल है, किसी हीरो को देखेगा कि जींस पहना हुआ है और बीच में फाड़ लिया है तो वो भी वही जींस पहनना शुरू कर देगा, किसी को देखा कि चारों साइड में चूल नहीं है बीच में चूल रखा है, देखने में इंतहाई खराब किंतु उमुक हीरो ने एक्टर ने ऐसा रखा है, मैं भी ये नूतन फैशन आया मैं भी ऐसा ही चूल रखूंगा। मेरे नौजवानों याद रखो ये जो इस तरह से चूल रखते हो इसको अरबी भाषा में कहा जाता है कजा, कज़ा ऐन कज़ा। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कज़ाई, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो जिसको हम और आप शायद हनी सिंह कहते हैं ये जो चूल रखते हैं ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है, खुदा के वास्ते ऐसा गुनाह न करो कि सोया रहेगा तो भी गुनाह हो रहा होगा, चल रहा है तो भी गुनाह। यदि किसी ने मौत खाया जितना देर मौत खाया उतना देर पाप हुआ, बाद में वो तौबा कर लेता है अल्लाह उसके पाप को माफ कर देगा, किंतु किसी आदमी ने हनी सिंह कटिंग रखा वो जो चूल रखता है जब तक वो अपने चूल को बराबर नहीं करेगा सही नहीं करेगा, चाहे एक बच्चर हो दो बच्चर हो कंटिन्यू उसके नामे आमाल में पाप और गुनाह लिखता रहेगा। मेरे नौजवान साथियों अल्लाह के वास्ते अपने इस्लाम को अपने मजहब को दुनिया का सबसे प्यारा मजहब समझो, दीन को मजबूती से पकड़ो। वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अमरा मुसलमान ए देशे भीतरे थाकनो इस्लामेर हालत ईमानेर हालत इस्लामेर एकटा एकटा हुकुमेर उपरे अमल ओइबो इंशाल्लाह ओइबो, एक एक सुन्नत पर एक एक नफल पर हम अमल करके इस देश में रहेंगे। जरूरत है कि हम अपने दीन को मजबूती से पकड़ें, वरना आज किसी का मॉब लिंचिंग होता है, यूपी में मॉब लिंचिंग होता है, गुजरात में राजस्थान में मॉब लिंचिंग होता है, कल आपके आसाम में काठपाड़ा में नौगांव में होजाई में मॉब लिंचिंग नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आज हिजाब का मसला कर्नाटक में मध्य प्रदेश में आया, कल अपना प्रदेश भीतरे आसामेर भीतरे हिजाब का मसला नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी 2-3 महीना पहले एक जो बहुत बड़ा आलिम का बयान पढ़ता हूं कि कोई एक बच्चे भीतरे पराए 8 लाख मुसलमान लड़कियां, मुसलमान में पराए 8 लाखों मुसलमान लड़कियां इस्लाम धर्म को छोड़कर या तो हिंदू धर्म में चली गई या क्रिश्चियन धर्म में चली गई, शबे को नौज बिल्ला उस धर्म में चली गई मुर्तद हो गई। मेरे भाइयों अगर अपने बच्चों को अपने सिले को अपने मे को मुर्तद होने से बचाना है, हिंदू धर्म कबूल करने से बचाना है तो दीनी तालीमी बोर्ड मकतब का जो सिक्का है एक बार एक बेसिक जो इस्लामिक सिक्का है इसको मजबूत करो, नहीं तो 10 बच्चर पूरे ए देशेर भत्रे की होए वो कोनो गारंटी ना। हमारा टाइम तो शेष हुए से अल्लाह ताला तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उठने से पहले मेरे भाइयों ये जो आप लोग सामने खड़े हो अल्लाह के वास्ते हजरत औलादे रसूल आ रहे हैं, औलादे रसूल आ रहे, थोड़ा रास्ता बना दो वो लोग आएंगे आगे भी जगह दाएं बाएं जगह, प्लीज अल्लाह के वास्ते आकर बैठो। औलादे रसूल के आने के टाइम में अमरा जो कोई रकम थकी या तो थोड़ा रास्ता दे दो या आगे बढ़ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा प्लीज, मुझको नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं सिर्फ औलादे रसूल के इंतराम में हजरत मौलाना सैयद अजहर मदनी साहब दावत बरकातुह वो आएंगे अल्लाह के वास्ते, भाई थोड़ा थोड़ा बीच में जगह दे दो आगे बढ़ जाएंगे वो लोग। भाई आए ना आए ना अस्सलाम वालेकुम।
यूसुफ साहब से कुछ बुलवाना है बुलवा लीजिए 5 मिनट। आप कहाँ चले गए थे? आपको बयान करना है बता रहे। अरे नाम लिया आपका? सुना, मैं बाहर था लेकिन तारीफ की आपकी माशाल्लाह। ये वैसे ही बोल दिया, मैं तो पक्का रह गया कि किस तरह